राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, शहर के टॉकीज चौराहा के पार स्थित निरंकारी मेडिकल और मोनिका ट्रेडर्स में लाखों रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया है। हालांकि इस दुकान में यह पहली चोरी नहीं है, इसके पहले भी 3 चोरियां होने की बात दुकानदार बता रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि चोरों के द्वारा हर बार नकदी को निशाना बनाया जाता है, वहीं चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है। पूर्व में भी चोर के सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि बार बार उनकी दुकान में चोरी हो रही है और अभी तक उनकी दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है। ऐसे में दुकान मालिक ने पुलिस से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर की तलाश करने की गुहार लगाई है। शहर में लगातार ही चोरी की घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसे में ताला लगाकर दुकान बंद करके जाने वाले दुकानदार रात भर दहशत में रहते हैं। पुलिस की गश्त के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सवाल खड़े करती हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। ये हर बेरे हमारे यहाँ से पैसे की चोरी होती रही है। आज भी करीबन 1.25 लाख के करीबन चोरी हुई है। 3 बेरे पहले भी चोरी हो चुकी है। इसकी पहले दफे में तो अपन को समझ में नहीं आया था। दूसरी बेरे में FIR दर्ज है। तीसरी बेरे में हम SP साहब को भी ज्ञापन दे के आए थे और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी बार करीब चोरी हो चुकी है? कितनी करीब चोरी हो चुकी है? चौथी बेरे को चोरी हुई है करीबन 4। अब उसमें तो देखना पड़ेगा, थोड़ा लिखा तो है अभी। चौथी बेरे चोरी हुई है अपने यहाँ से। अभी तक कुल कितने की चोरी हो गई? अभी तक करीबन 4 लाख के करीबन चोरी हुई है। किस नाम से है दुकान? मोनिका ट्रेडर्स प्लस निरंकारी मेडिकल।